आज एक बहुत खास विषय को मैंने प्रिपेयर किया है आपसे बातचीत करने के लिए कि हम लोग अपने टारगेट्स को कैसे बनाएं और कैसे उनको अचीव करें। और सितंबर महीने को हम लोग टारगेट मंथ के रूप में हमने इसको हम लोग हमेशा मनाते हैं। और आरसी बिजनेस का जो हिस्टोरिकल डाटा है वो ये बताता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लेवल्स, चाहे वाइटल लेवल्स की बातचीत करें या फिजिकल पिनों की बातचीत करें, वो सबसे ज्यादा सितंबर के महीने में आती हैं। तो इस बार फिर सितंबर है और आरसीएम बिजनेस अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ता रहता है। हमने मार्च में बहुत बड़ा काम किया जितना अब तक कभी नहीं हुआ था, और संभवतः मार्च से बड़ा काम हम लोग अभी सितंबर में करने वाले हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, मैं उस पर बातचीत करूंगा। आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं ये टॉपिक है हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। हम अपने जीवन में गोल्स को, लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें और कैसे उनको पूरा करें, सो इस पे हम बातचीत करते हैं। गोल सेटिंग को हमने 8 कोर स्टेप के पहले कोर के रूप में लिया है, सेट योर गोल्स। इसलिए लिया है क्योंकि गोल जो है वो एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। अगर हमें बड़ा काम करना है जिंदगी में तो हमें एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए, एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो कभी खत्म नहीं हो, और वो तभी हो सकती है जब हमारे जीवन के लक्ष्य स्पष्ट हों कि हमें इस महीने सितंबर में क्या करना है, अगले एक साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है। तो वो अगर आपके जहन में हमेशा रहते हैं तो फिर आपको किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, हम गोल सेटिंग की बात करें लेकिन उससे पहले का जो वर्ड है, गोल से पहले का वर्ड है, वो है ड्रीम, जिसे हम हिंदी में सपना कहते हैं। मुझे कार चाहिए, ये मेरा सपना है। मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए या मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूं। तो ये जो भी हम इस प्रकार की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सपने हैं और वो शुरुआती स्टेज है। एक्चुअली इस शुरुआती स्टेज से आपने पहली सीढ़ी पे अगर आपने जाना है तो आप क्या करेंगे, अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करेंगे। और गोल में कन्वर्ट करने की एक आसान सी तरीका ये है, व्हेन द डेट ऑफ अचीविंग ए ड्रीम इज फिक्स्ड देन इट बिकम्स ए गोल। जब एक तिथि निर्धारित हो जाती है कि मुझे ये चीज कब तक चाहिए, तो फिर वो आपका सपना नहीं रहा, आपका गोल बन गया है, लक्ष्य बन गया है। मुझे कार चाहिए सपना है, मुझे कार 31 दिसंबर 2022 तक चाहिए, ये मेरा लक्ष्य बन गया है। फिर लक्ष्य तो बन गया, फिर इसमें और स्पष्टता लेके आनी है हमें कि कार कौन सी चाहिए, क्योंकि कार 2 लाख से लेके और 4-5 करोड़ तक की कारें आती हैं, तो वो फिर स्पष्टता उसमें लेके आएंगे तो और ज्यादा संभावनाएं हैं अचीव करने की। मुझे घर चाहिए तो कब तक चाहिए, पहले तो डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, फिर कितना बड़ा चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, वो डिसाइड करना पड़ेगा। हमें आरसीएम का डायमंड बनना है तो डायमंड बनना है, अगर आप वाकई सीरियस हैं डायमंड बनने के लिए, तो सबसे पहले उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए, एक डेट डिसाइड कीजिए। टेंटेटिव डेट हो सकती है, अभी उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक डिसाइड कीजिए कि आपका जो मौजूदा बिजनेस है उस बिजनेस के आधार पे आप 50 करोड़ रुपए महीने का धंधा कब तक कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला स्टेप ड्रीम से गोल में आने के लिए। अब अगर हम बातचीत करें कि गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण क्या है, गोल सेटिंग इज ए स्किल। गोल सेट करना एक स्किल है, एक कौशल है, स्किल दैट यू कैन लर्न, एक ऐसा कौशल जिसको हम सब लोग सीख सकते हैं। ये कोई जन्मजात चीज नहीं है कि कुछ लोग इसको लेके पैदा हुए हैं और बाकी लोग इसको सीख नहीं सकते हैं। तो हम सब लोग इसको सीख सकते हैं, और जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टॉप कैलिबर एथलेटिक्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, ओलंपियंस एंड अचीवर इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड हैव रीच देयर ड्रीम्स थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना सर, और जितने बड़े बड़े लोग हैं आपको दिखते हैं सफल लोग, वो सारे के सारे अपने सपनों की जिंदगी इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग की टेक्निक को कहीं ना कहीं सीख लिया था। और हम भी अगर उनको सीखेंगे तो हम भी अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। तो आज थोड़ा सा उस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। अगर हम बातचीत करें गोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जीवन में महत्व क्या है, कुछ मेन पॉइंट्स में कवर करूंगा केवल मात्र आपके सामने।
सबसे पहला पॉइंट कहता है बिजनेस स्टडीज सेज, बिजनेस स्टडीज सेज जो अध्ययन है, जो रिसर्च है, वो ये बताते हैं कि गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शोध किया गया विद्यार्थियों के ऊपर में, जो ग्रेजुएशन करने वाले थे जिनके पास में गोल नहीं थे, जिन्होंने लिखे नहीं थे, वो जिंदगी में संघर्ष करते रहे और जिनके गोलों में क्लियरिटी थी वो मात्र 5-7 साल में बहुत अच्छी जिंदगी जीने लग गए। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी एक किताब है अंग्रेजी में गोल्स और हिंदी में उसका टाइटल है लक्ष्य। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, शुरुआत में ही वो लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं और मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों में अपनी ट्रेनिंग्स दी हैं और मेरी जो ट्रेनिंग और काउंसलिंग रही वो 15 मिनट से लेकर और 5 दिन तक का उनका ड्यूरेशन रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये कहे कि हमारे पास में इतना समय नहीं है, आप सिर्फ एक लाइन में बताइए कि जिंदगी में कामयाबी कैसे मिल सकती है, सिर्फ एक लाइन में। और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लिखते हैं उस किताब में कि मैं बता सकता हूं, और उसके बाद वो एक लाइन लिखते हैं। आप सोच के देखिए वो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो लिखते हैं लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। 3 बातें कह दी एक लाइन में ब्रायन ट्रेसी ने। पहली कही लक्ष्य बनाइए, दूसरी कही योजना बनाइए, उसको कैसे पूरा करना है, उसका रोड मैप आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए, और तीसरी उन्होंने कही प्रतिदिन उसके लिए काम कीजिए। अगर आपका 10 साल बाद का गोल भी है तो आपको आज हर रोज उसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, छठे पॉइंट पे आना चाहता हूं सीधा। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव ए हायर गोल। गोल सेट करके उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को और हमारे बिलीफ लेवल को, हमारे आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देती है कि हम और बड़े गोल सेट कर सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल यहां पे आपको शेयर करना चाहता हूं। एक मैंने हरियाणा से बिजनेस की शुरुआत की जींस से, और अपने शहर में तो मैं एक ठीक ठाक से लेवल पे था, मेरे एक अपलाइन थे और उनके बाद में सीनियोरिटी में मेरा ही नाम आता था। लेकिन 20 अक्टूबर 2002 को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फंक्शन मैंने देखा आरसीएम बिजनेस का, भीलवाड़ा मिलन वाटिका में, और जब मैं वहां पे गया हजारों की संख्या में लोग, ओपन ग्राउंड में प्रोग्राम, और मेरा जो लेवल था उस समय बहुत बड़ा लेवल नहीं था, उस लेवल के लोगों को जब स्टेज पे बुलाया गया उस समय मेरा जो नंबर था वो स्टेज पे 3 लाइनें लगी हुई थी, तीसरी लाइन में मेरा नंबर आया और मैं अपना पंजों के बल पे खड़ा होके मैं ये कोशिश कर रहा था कि मेरा चेहरा दिख जाए और फोटो क्लिक हो जाए कम से कम कि मैं इस प्रोग्राम में था। उस दिन मैंने एक गोल सेट किया, क्योंकि कहा जाता है बड़े बड़े डिसीजन बड़े बड़े समारोहों में लिए जाते हैं। तो मैंने उस दिन एक गोल सेट किया कि मैं अगली बार जब ऐसे किसी बड़ी प्रोग्राम में आऊंगा तो मेरा नंबर तीसरी लाइन में नहीं होगा, कम से कम फ्रंट लाइन में, पहले वाली रो में मेरा नंबर आना चाहिए, इतना बड़ा काम मैं जरूर करूंगा। गोल सेट किया, उसके ऊपर मैं काम किया, और अगले साल जब बड़ा प्रोग्राम हुआ उस बड़े प्रोग्राम में मैं पहली लाइन में खड़ा था। तो वो पहली लाइन में मेरे खड़ा होने ने मेरे कॉन्फिडेंस को और मेरे बिलीफ लेवल को बढ़ाया, और मैंने उसी दिन उसी बड़े प्रोग्राम में एक और डिसीजन लिया कि अगली बार जो बड़ा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में मैं हिंदुस्तान के जो टॉप 20 लीडर्स की लिस्ट आती है उस लिस्ट में मेरा नाम होगा, क्योंकि उस समय पिने नहीं होती थी, टॉप 20 लोग जो बड़ी इनकम वाले लोग थे उनको रिकॉग्निशन मिलता था स्टेज के ऊपर में। अब पहले मैंने टारगेट बना के उसको अचीव कर लिया था, तो कॉन्फिडेंस मेरे साथ में था, उस कॉन्फिडेंस की वजह से पूरा साल मैंने मेहनत की और अगले साल मैं टॉप 20 की लिस्ट में शामिल था। और वहां से फिर मैं डिसीजन लेके आया कि अगले साल जब मैं आऊंगा
तो मैं टॉप 20 में नहीं, मैं टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूं। और कॉन्फिडेंस, चूंकि 2-3 बार अचीव कर लिया था टारगेट, उस कॉन्फिडेंस ने काम किया, मैं टॉप 10 में आ गया। उसके बाद में फिनिट डिक्लेयर हो गई, मैं डिसाइड करके आया कि जब डायमंड का रिकॉग्निशन होगा तो डायमंड की पिन मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन से मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती थी। सो उस कॉन्फिडेंस ने काम किया और मैं डायमंड बन गया। और उसके बावजूद भी मैंने जो जो भी टारगेट मैंने सेट किया अपनी जिंदगी में, वो इसलिए मैं कर पाया क्योंकि पहले का जो मेरा कॉन्फिडेंस था, गोल सेट करके अचीव करने का कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिया, मेरे बिलीफ लेवल को बढ़ाया। सो आज मैं आप सब साथियों को यहां पर यह कहना चाहता हूं, आज आपका लेवल क्या है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। अगर आप गोल सही तरीके से गोल सेट कर लेते हैं, उसके ऊपर में आप वर्किंग करते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे हाई होता चला जाता है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से एक स्कूल का छोटा सा बच्चा क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बन जाता है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से किसी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टी का, वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। और ऐसे ही चीजें डेवलप होती हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को आप देख लीजिए। सो मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब सीधा इस चीज पे आता हूं कि गोल्स को हमें किस प्रकार से अचीव करना है। लेकिन उससे पहले हाँ, एक चीज पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अपने से मैं आपको रिलेट करवाना चाहता हूं। मेरा अपना हमेशा ये मानना रहता है कि जो काम मैं अच्छे से कर रहा हूं वो मुझे लोगों को जरूर बताने चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम मेरे पास में हैं। मैं एक काम करता हूं हमेशा, कोई भी काम जब मेरे सामने आता है, कोई काम मेरे सामने आया है, तो उस काम को मैं गोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं अपने आप से पूछता हूं, ये जो काम है क्या मैं इस काम को गोल में कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर वो गोल में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर मैं उसको गोल में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि गोल अगर एक बार सेट हो जाता है तो फिर वो पूरा हो जाता है। तो कोई भी काम को आप गोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे देखेंगे कि गोल में कन्वर्ट हो सकता है क्या, उसके लिए एक टेक्निक है जिसको स्मार्ट टेक्निक बोलते हैं। स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है? स्मार्ट टेक्निक ये कहती है कि गोल्स शुड बी स्पेसिफिक। गोल जो है ना वो स्पेसिफिक होने चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे सितंबर में अगर आप कहते हैं कि सितंबर में मैंने बड़ा काम करना है, तो क्या ये स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है जी। बड़ा काम मतलब क्या? तो इसकी स्पष्टता के लिए आपको क्या तय करना पड़ेगा? आपको तय करना पड़ेगा कि मैंने सितंबर महीने में रॉयल्टी लेनी है। अब रॉयल्टी कितने परसेंट? 3%, 4.5%, 6 या 8? आपने डिसाइड किया जी मैंने 3% रॉयल्टी लेनी है, ठीक है जी, लगभग 5 लाख रुपए का आपका बिजनेस चाहिए, तो ये स्पेसिफिक हो गया। M4 मेजरेबल, उसको मापा जा सके, आपका जो लक्ष्य है वो मापा जा सके। अगर मैंने 5 लाख का बिजनेस करना है तो क्या इसे मापा जा सकता है? जी बिल्कुल मापा जा सकता है। अभी आज हम लोग 18 तारीख को हैं, आज मेरा बिजनेस मान लेते हैं 2 लाख हो गया, 3 लाख और बाकी है, बिल्कुल ये मेजरेबल है, मापा जा सकता है। मैंने पॉइंट्स बनाने हैं न्यूट्री चार्ज के, प्रीमियम क्लब में हूं तो मैं चेक कर सकता हूं जी मेरे जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं और कितने अभी बाकी हैं। A4 अचीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो गोल्स है ना वो बड़े तो होने चाहिए लेकिन वो अचीवेबल होने चाहिए। अगर आप गोल सेट करके उनको अचीव नहीं कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर निराशा आएगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप पूरा नहीं कर सकते, तो छोटा टारगेट भी फिर आप पूरा नहीं कर पाएंगे। सो गोल बड़े बनाइए ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आए, लेकिन कंडीशन ये है उसको अचीव करना है फिर किसी भी कीमत पे। R4 रिलीवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलीवेंट। रिलीवेंट को हिंदी में हम कहते हैं संबंधित। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के जो बड़े लक्ष्य हैं, 10 साल बाद का, 5 साल बाद का, 2 साल बाद का जो लक्ष्य है, आपका 1 महीने का लक्ष्य, आपका छोटा लक्ष्य भी उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाए। यानी आपकी जिंदगी के जो बड़े गोल्स हैं, आपके छोटे गोल उसी से संबंधित होने चाहिए। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, उसके पीछे एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, मुझे रॉयल्टी चाहिए, तो ये टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 30 सितंबर 2021 तक चाहिए तो ये एक टाइम बाउंड है। तो कोई भी काम आप करते हैं, सुबह उठते हैं, गोल में कन्वर्ट कीजिए अपने दिन में, काम को, अपने दिन को एक्चुअली, कि आज मैंने ये 10 काम करने हैं, इतने बजे तक करने हैं, मीटिंग की तैयारी करनी है,
गोल में कन्वर्ट कीजिए, कितने लोग आएंगे ए लाइन से, बी कितने आएंगे, बी से कितने आएंगे, और उसके लिए कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे आपको ये कहना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप एक बार आदत डालिए कि कोई भी काम आपको करना है उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। आपने बाहर ट्रेवल करना है, फील्ड में जा रहे हैं, गोल सेट कीजिए, कितने लोगों से मिलके आना है, रस्ते में क्या करेंगे, क्या ऑडियो देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें फिर ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में सर होने लग जाएंगी। गोल्स की अगर हम बातचीत करें तो गोल्स को हम लोग कई प्रकार की कैटेगरियों में बांट सकते हैं और बांटना ही चाहिए। एक गोल होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, जिसे हम कहते हैं लाइफ गोल। लाइफ गोल का मतलब ये होगा कि आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या बोलें, क्या कहें, वो आज आपको तय करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन लोग अगर आपको ये कहें कि यार पैसा तो बहुत कमाया लेकिन लोगों को चोरी करके कमाया, लोगों को गुमराह करके कमाया, तो शायद वैसी जिंदगी आप नहीं चाहेंगे लोग आपके बारे में वैसा कहें। रोबिन शर्मा की एक बहुत शानदार किताब है, हु विल क्राई वेहन यू विल डाई। जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तो कौन लोग आपके पीछे क्या कहेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें तय करना चाहिए। सो लाइफ गोल आपके डिसाइड होने चाहिए। और दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में वो सारे गोल्स आएंगे जो 5 साल के बाद आपको चाहिए, उनको हम लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में रखेंगे। मिड टर्म 2 साल से 5 साल के बीच के गोल, उसके बाद में शॉर्ट टर्म कौन से होंगे सर, 6 महीने से 2 साल के बीच के गोल। मंथली गोल्स, 1 महीने से अगले 6 महीने में जो जो हमें अचीव करना है वो सारे मंथली गोल हैं। सितंबर महीने में जो आपको अचीव करना है वो आपका मंथली गोल में काउंट होएगा सर, यानी सितंबर से लेके और आपके अगले 6 महीने के जो भी गोल्स हैं वो सारे मंथली गोल्स में काउंट होंगे। और अंतिम जो कैटेगरी है वो है माइक्रो गोल्स की। माइक्रो मतलब छोटे गोल, छोटे छोटे गोल। 1 महीने में 30 दिन है, उन 30 दिनों को आपने उस महीने को 30 दिन में कन्वर्ट किया, और 1 दिन में अगर आप 14 घंटे काम करते हैं तो उस 1 दिन को 14 घंटे में काम किया कि इस पहले घंटे मैंने ये करना है, इसमें फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो अगर आपने अपने माइक्रो गोल यानी 1-1 घंटे के गोल को पूरा कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका दिन का गोल पूरा हो जाएगा, और आपने अपने दिन के गोल को पूरा कर लिया तो आपका महीने का गोल पूरा हो जाएगा। ये इस प्रकार से काम करता है, जैसे मैंने शर्ट के बटन बंद करने हैं, अगर गलती से मैंने नीचे वाला बटन गलत बंद कर दिया तो ऊपर आते आते हालत खराब हो जाएगी, और अगर मैंने सावधानी से कॉन्शियसली पहले बटन को, नीचे वाले बटन को सही बंद किया तो फिर ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सारे बटन बंद होते चले जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने माइक्रो गोल, छोटे गोल्स को पूरा करें। अरविंद सर भी यही बात कर रहे थे कि टाइम बीता जा रहा है और आप अगर समय को चूक गए, समय को चूकने का मतलब यह है कि आपने माइक्रो गोल्स पे अगर फोकस नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ में सर आने वाली है। सो गोल्स की बहुत सारी गोल्स शुड बी बैलेंस्ड। फिजिकल गोल आपके होने चाहिए, स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, लेकिन बिजनेस गोल्स की अगर हम बातचीत करें, पर्टिकुलर सेप्टेम्बर महीने के आपके जो गोल्स हैं उन गोल्स को कैसे अचीव करना है। सो 2-3 पॉइंट पे मैं बातचीत करना चाहता हूं जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट कह रहा है टेक चार्ज। टेक चार्ज का मतलब ये है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी पूरी जिम्मेवारी आप लीजिए कि मैंने इसको पूरा करना है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अपलाइन साथ में है, डाउनलाइन साथ में है, सब साथ में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिम्मेवारी किसकी, आपकी। एक लीडरशिप का एक बड़ा अच्छा ट्रेंगल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल हैप्पीनेस, यानी जब आप जिम्मेवारी लेते हैं किसी भी चीज की तो सारी कंट्रोलिंग आपकी है क्योंकि आप जिम्मेवार हैं उस चीज के लिए, और जब कंट्रोलिंग आपकी नहीं होती है तो आप तनाव में रहते हैं क्योंकि कोई दूसरे के पास में कंट्रोल है, आप हमेशा सोचते रहते हैं यार इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया और गलत हो गया सब कुछ। लेकिन जब कंट्रोलिंग आपके साथ में है तो हैप्पीनेस आपके साथ में रहती है, और हैप्पीनेस है आपके साथ में, यानी खुशी खुशी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं तो फिर और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पाएंगे। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। मान लेते हैं एक मीटिंग होनी है सर, उस मीटिंग की जिम्मेवारी आपने नहीं ली, किसी दूसरे व्यक्ति ने ले ली, तो वेन्यू बुक करवाना उसकी जिम्मेवारी, सारी व्यवस्थाएं उसकी जिम्मेवारी, लेकिन आप एक बहुत डिसिप्लिन
डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मीटिंग वाले दिन गए तो आपको लगा कि यार हॉल बेकार कर दिया इसने, तो चीजें यू नो टाइम पे पूरी नहीं हुई, साफ सफाई नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति की थी, सारी कंट्रोलिंग उसके पास है। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जा रही थी अगर आप ले लेते, तो अगर आप यू नो बहुत एक परफेक्ट पर्सन है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अच्छा होल करते, सारी कंट्रोलिंग आपकी रहती, साउंड वाला कब आना है, सफाई हुई नहीं हुई, वो सारी चीजें चेक करते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती, कंट्रोलिंग आपकी होती, हैप्पीनेस आपके पास में रहती। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सो टारगेट को भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरह से, ये आपने तय करना है सर। और राइट डाउन 3 to 5 reasons, जब भी आपने गोल अचीव करना है, सितंबर में भी जब आपने अचीव करना है ना, उसका एक स्ट्रॉन्ग कारण आपके पास में होना चाहिए कि मैंने इसको क्यों अचीव करना है। बहुत सारे टारगेट्स हैं, 500 रुपए के छोटू परचेज से लेके और कार तक आप अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्यों करना है वो आपका पर्सनल कारण होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उससे आपको हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी। बर्निंग डिजायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद सर ने भी इसके बारे में बातचीत की कि आपके अंदर में एक आग होनी चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पे करना है। मैं इसके लिए एक कहानी शेयर करता हूं, सुकरात जी से संबंधित है। सुकरात जी यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक बार एक नौजवान लड़का उनके पास में आया, बहुत उत्साहित था, और कहा कि सुकरात जी मैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूं, मुझे बस आप एक मंत्र दीजिए, एक मंत्र मिल जाएगा तो मैं बस कुछ भी कर दूंगा जिंदगी में। तो सुकरात जी ने उनको कहा कि आप मेरे साथ पहले नदी में स्नान कीजिए। तो वो नदी में उनको लेके गए, और जब वो दोनों स्नान कर रहे थे तो सुकरात जी ने उस बच्चे के नजदीक में जाके उसको पानी में डुबोने का प्रयास किया। उस बच्चे ने पूरी ताकत लगाई बाहर निकलने की, लेकिन सुकरात जी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको बाहर निकाला, और बाहर निकलते ही सबसे पहले उस बच्चे ने श्वास लिया, और इससे पहले कि वो कुछ पूछता, सुकरात जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि बेटा थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए थी या प्राइवेट, घर कैसा चाहिए था, गाड़ी कैसी चाहिए थी। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं पानी के अंदर था, न मुझे गाड़ी चाहिए थी, न घर चाहिए था, न नौकरी चाहिए थी, न व्यापार चाहिए था, उस समय मुझे बस थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने संदेश दिया कि तुम्हें अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो याद रखना, कामयाबियां कभी भी मुफ्त में और फोकट में नहीं मिलती। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़फ रहे थे, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए जब इतना तड़फने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। एंड दिस इज द सीक्रेट, यही रहस्य है। जो लोग बड़ा काम करते हैं जिंदगी में, ये सितंबर महीना सबके लिए है, ऑफर सबके लिए है, प्रोडक्ट सबके लिए है। जो लोग पूरा करेंगे, कौन करेंगे, उनके अंदर एक आग है, पागलपन है, उनको नींद नहीं आ रही रातों में। जब सारी दुनिया सो जाती है तब वो बड़ी मुश्किल से घर आते हैं कि अब तो कोई है नहीं, किसका बॉडी चेकअप करूं, किसको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। सो बर्निंग डिजायर सर आपके अंदर में होनी चाहिए। विजुलाइज योर गोल, मॉडर्न साइंस ये कहती है, इफ यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुलाइज। अगर आप किसी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं तो आप उसको एक्चुलाइज यानी हकीकत में उसको पा सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है, जो भी टारगेट है, आप बाइक लाना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से, कार लेना चाहते हैं, आप थाईलैंड का टूर लेना चाहते हैं, आंख बंद कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए जैसे आपने उसको अचीव कर लिया है। गाड़ी में फैमिली बैठी है, आपकी वाइफ बैठी है, बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, उसको फील कीजिए आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। हर चीज को अगर आप फील करेंगे तो आप उसे अचीव करने की संभावनाएं बहुत नजदीक आपके आ जाएंगे, नेचर काम करना स्टार्ट कर देगी, तो उस पर विश्वास कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो लक्ष्य हैं वो अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, फैमिली मेंबर सबको बता दीजिए, अंदर में मत रखिए, बताएंगे
तो आपके अंदर में एक 6C प्रिंसिपल है कि आप कमिटमेंट करेंगे तो आपके अंदर में क्रेज आएगा, क्रेज से आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि इसको कैसे करना है, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आएगी, कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से आप उसको पूरा करके कंटिन्यूअस फिर अगला कमिटमेंट करेंगे। तो आप जो भी लक्ष्य बनाए जिंदगी में उसको छुपाइए मत, उसको बिल्कुल डिक्लेयर कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेट प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राथमिकताएं तय कीजिए। आपके पास में अब भी आज के बाद 12 दिन बचे हुए हैं, और मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं 12 दिनों में भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, कभी मैंने जिंदगी में मतलब पढ़ाई के टाइम पे एकेडमिक एजुकेशन में कभी मैंने कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की, लेकिन बीएड करने के बाद मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं एमए करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज से, मैंने एडमिशन लिया, पूरा साल पढ़ाई नहीं की, डेट शीट आ गई, बहुत कम टाइम था मेरे पास में। डेट शीट आने के बाद में डिसाइड किया पढ़ाई करनी है, और प्रायोरिटी पे रह के, फोकस रह के पढ़ाई की। 24 घंटे में से 18-18 घंटे पढ़े, एग्जाम हो गए, और एग्जाम के 3-4 महीने के बाद में एक सर्टिफिकेट मेरे पास में आया, और ये सर्टिफिकेट आपके सामने है जो बता रहा है आपको कि 12 दिनों में बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। इस पर लिखा है शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज इन एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन द ईयर 95-96। सिर्फ फोकस रह के प्रायोरिटी पे काम करके एग्जामिनेशन के समय में पढ़ के मुझे सर्टिफिकेट मिला, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे मिल गया कि मैं अगर फोकस रह के किसी काम को करूंगा तो जो मैं जिंदगी में नहीं कर पाया वो मैं कर सकता हूं। 8वां पॉइंट कह रहा है कि आपकी टीम में अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको सोल्व कीजिए, टीम के रूप में काम कीजिए। सबसे पहले अपने गोल को पेपर पे अचीव कीजिए। कोई भी आपका गोल है, 5 लाख का धंधा करना है, 20 लाख का करना है, 5 करोड़ का करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाइए, आपकी डेप्थ कौन सी है उस डेप्थ को फोकस कीजिए, और स्ट्रक्चर में ये देखिए कि जो ऑफर हमारे पास में है उन ऑफर्स में कौन व्यक्ति किस ऑफर को एडॉप्ट कर सकता है और आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है। देखिए, मैंने आपसे बातचीत की थी भी माइक्रो गोल्स की, अगर आप माइक्रो गोल्स को पूरा करेंगे ना, आपका 10 साल बाद का गोल चुटकी में ऐसे पूरा हो जाएगा, नहीं आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्रिकेट में जो लोग मैच खेलते हैं ना, जो पहले ओवर से ही एवरेज लेके चलते हैं रनों की, उनको दिक्कत नहीं होती, लास्ट में वो मजे ले लेके पूरा करते हैं, और जो पहले ओवर को ऐसे निकाल देते हैं तो बाद में हड़बड़ी में सारे आउट हो जाते हैं 10 रन में ही। तो आपने हड़बड़ी में आउट नहीं होना है सर, आपने एवरेज अच्छी बनानी है, आज से बनाइए ना।